15 अप्रैल 2014 दानवन हाई स्कूल के पूरे क्लास जेजू के खूबसूरत आइलैंड पर एक रात के जर्नी के लिए जा रहे थे। हर 16 साल के बच्चे का सपना होता है कि वो बिना पेरेंट्स के दोस्तों के साथ एक मज़ेदार जर्नी पर निकले। यहीं पर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनते हैं और ऐसे यादें बनते हैं जिसके बारे में वो पूरी ज़िंदगी बात कर सकता है। जेजू आइलैंड की लगभग 14 घंटे की जर्नी के लिए 325 स्टूडेंट्स एक छोटे से शिप पर सवार हुए। ये शिप एक ट्रेडिशनल वैकेशन क्रूज शिप था। शिप का निचला हिस्सा गाड़ी, कार्गो और कंटेनर के लिए था, जिन्हें इस आइलैंड पर ले जाने के लिए लोड किया गया था। वही अपर लेवल एक ट्रेडिशनल क्रूज शिप था। सोने के लिए केबिन, डिनर के लिए कैफे, एक कराओके हॉल और एक छोटा सा सुवेनियर शॉप था। टीचर्स ने स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाया और उनके साथ जेजू के यात्रा कर रहे बाकी 100 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को परेशान ना करने को कहा। बच्चे अपने दोस्तों के साथ भाग दौड़ कर रहे थे, खाना खा रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। रात को शिप के डेक से फायर क्रैकर शो भी हुआ। बच्चे खूबसूरत बीचेस के सपने देखते हुए सो गए, लेकिन जिम्मेदार लोगों के कुछ गलत डिसीजन ने इस सपने को एक भयानक नाइटमेयर में बदल दिया। इस जर्नी के कुछ साल पहले इस शिप को मॉडिफाई किया गया था। ऊपर और भी केबिन जोड़े गए और नीचे और भी ज्यादा कार्गो स्पेस ऐड किया गया। इस एडजस्टमेंट की वजह से शिप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ गया, साथ ही शिप का राइट और लेफ्ट साइड के वेट बैलेंस भी बिगड़ गया। इसी के साथ इसे केवल 1000 टन माल ले जाने के लिए ही सर्टिफाई किया गया था, लेकिन ये शिप इस दिन 185 कारों के साथ 22,100 टन माल कैरी कर रहा था। इस जहाज को ठीक से मैनेजेबल बनाए रखने के लिए 1700 टन गिट्टी पानी की भी जरूरत पड़ती थी। जहाज के सेंटर पर भार को डालने और ऊपरी हिस्से को बैलेंस रखने के लिए जहाज के निचले हिस्से में गिट्टी का पानी डाला जाता है। जहाज को पानी में स्पीड, टर्न और सही से कंट्रोल करने के लिए गिट्टी का पानी इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि नए डिजाइन में शिप का ऊपरी हिस्सा भरे थे इसीलिए इस जहाज पर गिट्टी का पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन इस दिन ये शिप जर्नी के लिए कुछ ज्यादा ही ओवरवेट था, इसीलिए गिट्टी का पानी घटाकर केवल 760 टन कर दिया गया। इसने जहाज को पानी में थोड़ा ऊपर रखा ताकि वो ज्यादा वजन होने के अलार्म बजे बिना पोर्ट इंस्पेक्शन को पार कर सके। कुल मिलाकर इससे वजन लगभग वही हो गया जब उसके पास कार्गो और गिट्टी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरी जिंदगी शिप का कैप्टन और इस शिप में सफर करने वाले सभी यात्रियों को ये जर्नी पूरी जिंदगी तक याद रहने वाला था। 16 अप्रैल के सुबह 7:30 बजे दो क्रू मेंबर्स, एक तीसरा साथी और हेल्समैन ने जहाज को चलाना शुरू कर दिया। 8:20 पर उन्होंने ऑटो पायलट बंद कर दिया और आगे की मंगोल चैनल के मिडिल में से जाने के लिए मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उस समय 8:46 हो रहे थे जब तीसरे साथी ने हेल्समैन को 5 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ने का निर्देश दिया। केवल 2 मिनट बाद उसने फिर से 5 डिग्री मुड़ने को कहा, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिस्टेक, 5 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ने की टाइम हेल्समैन ने जहाज को 15 डिग्री लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया था। अगर माल को सही से सिक्योर किया गया होता तो वो इस अचानक आए मोड़ से उभर सकते थे। सोने पर सुहागा, जहाज के निचले हिस्से पर 185 कारों को बांधने के लिए कार्गो एरिया में इनफ लैंगर नहीं थे। अचानक हुए ये टर्न वेट शिफ्टिंग पे एक चेन रिएक्शन ला दिया। जैसे ही कार्स और कंटेनर्स थोड़ा सा बाई ओर खिसके, जहाज भी थोड़ा और बाई ओर हिल गया, जिससे और भी ज्यादा कारें बाई ओर शिफ्ट हो गए। 8:50 तक जहाज पानी में 20 डिग्री तक हिल गया था। पानी कार्गो एरिया में घुसने लगा, जिससे अगले 1 मिनट में जहाज का झुकाव 30 डिग्री तक बढ़ गया। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जहाज के कैप्टन और क्रू के ज्यादातर लोग ये देखने के लिए जहाज के ब्रिज पर लौट आए कि आखिर हो क्या रहा है। 8:50 पर इंजन बंद कर दिए गए और इंजन रूम को खाली करने का आदेश दिया गया। इस समय पैसेंजर्स कैफेटेरिया में नाश्ता कर रहे थे या फिर रात के मौज मस्ती के बाद सो रहे थे। उन सभी ने जहाज को अचानक रोकने और हिलने पर ध्यान दिया, लेकिन समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कम्युनिकेशन ऑफिसर्स द्वारा इंटरकॉम सिस्टम का यूज पैसेंजर को ये बताने के लिए किया गया कि वो जहाँ है वहीं पर रहे और आगे ना बढ़े, ये दावा करते हुए कि ऐसा करना उनके लिए खतरनाक होगा। स्टूडेंट्स ने जहाज को टूटने या टाइटेनिक की तरह डूबने को लेकर खूब हंसी मजाक किए। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम जो भी हो इसे प्रोफेशनल्स द्वारा ठीक किया जाएगा और वो अपने रास्ते पर कुछ ही समय बाद वापस तैरने लगेंगे।
8:55 पर जहाज ने अपना पहला डिस्ट्रेस कॉल किया VTS को, द वेसल ट्रैफिक सर्विस लाइक एयरक्राफ्ट कंट्रोल फॉर शिप्स। उन्हें सूचित किया गया कि वो एक बड़े खतरे में है। VTS ने हेल्प शुरू करने के लिए कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। सरप्राइजिंगली एक स्टूडेंट ने कुछ मिनट पहले ही कोस्ट गार्ड को कॉल किया था और वो पहले से ही रास्ते पे थे। अगले कुछ मिनटों में जहाज 50 डिग्री तक मुड़ गया, जबकि कम्युनिकेशन ऑफिसर अभी भी पैसेंजर्स को अपनी जगह बने रहने का आदेश दे रहे थे। पर क्रू मेंबर्स ने रिपोर्ट किया कि जहाज के इस एंगल पर इवैक्यूएशन काफी मुश्किल है। ये एक अनबिलीवेबल रियलिटी है कि जहाज में पानी भर रहा था, एक डेंजरस एंगल पर झुका हुआ था, और फिर भी पैसेंजर्स को बार बार कहा जा रहा था कि वो जहाँ है वही रहे। VTS ने शिप से कहा कि पैसेंजर्स को तुरंत लाइफ जैकेट पहनाने के लिए कहा जाए और कैप्टन ली से तुरंत इवैक्यूएशन स्टार्ट किया जाए। 9:30 कैप्टन इवैक्यूएशन स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। जहाज के टॉप पर मौजूद 15 क्रू के लिए ये क्लियर था, लेकिन जहाज के बाकी लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जहाज के कम्युनिकेशन सर्विस डेस्क 3rd मंजिल पर था। उस वक्त क्रू 5वें मंजिल पर थे। उस टाइम जहाज के बाकी पैसेंजर्स को रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए बताया जा सकता था कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन रियलिटी में ऑर्डर किसने रिसीव किया और उन्होंने इस प्लान को कैसे शेयर किया, ये अननोन है। कोई भी ऑफिसर जानकारी शेयर करने या कंफर्म करने के लिए 5th फ्लोर से नीचे नहीं गया। बाहर निकलने वाले स्टूडेंट्स और पैसेंजर्स ने कहा कि इवैक्यूएट करने के लिए कभी भी इंटरकॉम अनाउंसमेंट नहीं किया गया। उस समय 9:33 हो रहे थे जब क्रू और पैसेंजर्स पानी में कूदने लगे। आसपास कई मछली पकड़ने वाले जहाज थे जो मदद के लिए आगे आए, साथ ही कोस्ट गार्ड भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जो पैसेंजर्स ऊपरी फ्लोर में बैल्कनी एरिया के पास थे वो जहाज से उतरने में सक्षम थे, भले ही जहाज का झुकाव अब 60 डिग्री के करीब था। 9:38 पर जहाज से लास्ट मैसेज VTS को भेजे गए। जहाज में कम से कम 30 मिनट पहले बिजली चली गई थी और रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, और इससे पहले पैसेंजर्स को बार बार ये मैसेज दिया गया था कि आप जहाँ है वहीं पर रहे। इसीलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दीवारों के सहारे केबिन पर थे, शांत रहने की कोशिश कर रहे थे और अगले मैसेज का इंतजार कर रहे थे। वो अपने माता पिता को मैसेज कर रहे थे, वीडियो ले रहे थे और घर पर फोन करके बता रहे थे कि वो डरे हुए हैं। उनके वीडियो में ब्रेवरी और डिसिप्लिन आसानी से दिखता है। कुछ लड़के लड़कियों के एक ग्रुप को देखने के लिए हॉलवे तक गए। उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी, इसीलिए लड़के कुछ ढूंढने के लिए दूसरे कमरे तक जाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने अपने जैकेट दिया ताकि कुछ लड़कियों के पास कम से कम एक लाइफ जैकेट हो। जब जहाज ऐसे एंगल पर झुका हुआ होता है तो जहाज के अंदर चलना भी मुश्किल होता है। सिर्फ एक दरवाजा खोलने के लिए ही बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन और ताकत की जरूरत पड़ती है। इमेजिन कीजिए आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना है और जहाज के झुकाव के कारण अब ये बिल्कुल ही खड़ा चढ़ाई बन गई है। कोस्ट गार्ड के ट्रेनिंग के दौरान उनको 60 डिग्री एंगल में झुके जहाज के एक कमरे से बाहर निकलने में 15 मिनट का टाइम लगता है। उस ट्रेनिंग में 5 प्रोफेशनल मैन एक साथ काम कर रहे थे। तो आप सोचिए, जब जहाज पहले से ही 60 डिग्री तक झुक रहा है तो टीनेजर से कमरे से बाहर निकलने का उम्मीद कैसे की जा सकती है? हो सकता है कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो या बढ़ते पानी के साथ ऊपर तैरने का इंतजार कर रहे हो। दुर्भाग्य से पानी से भरे एक बंद लोहे के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक लाइफ जैकेट पहन के बस निकलने का उम्मीद काफी कम है। कुछ कमरों में स्टूडेंट्स ग्रुप दीवारों और कॉरिडोर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे और बाहर निकलने की कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। जब तक कोस्ट गार्ड पहुंचे, जहाज इतना डूब चुका था कि कोई भी पैसेंजर्स के बाहर निकलने के लिए काफी कम जगह थी। केवल वो लोग जो पहले ही ऊपर के खुली डेक पर चले गए थे वही बाहर निकल सकते थे। जिन स्टूडेंट्स को यह पता चला वो अपने कमरे के खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो खिड़की के बाहर रेस्क्यू टीम और बोट्स को देख रहे थे, लेकिन इस स्टील के जेल से बाहर निकलने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। 10:17 पर जहाज पर मौजूद किसी पर्सन द्वारा लास्ट टेक्स्ट मैसेज भेजा गया। 10:23 पर जहाज पूरी तरह उल्टा हो चुका था। इस होपलेस सिचुएशन ने रेस्क्यूअर्स को जैसे पैरालाइज कर दिया था। जब एग्जिट पॉइंट पानी के अंदर गए तो जो स्टूडेंट्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे
उनके बाहर निकलने का पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गया। अगले एक घंटे तक जहाज पानी के नीचे और नीचे डूबता गया, जब तक वो पूरी तरह से पानी में डूब न गया। अब पेरेंट्स और रेस्क्यूअर टीम को बस यही उम्मीद थी कि वो पानी के अंदर बने एयर पॉकेट की मदद से अभी भी सांस ले रहे होंगे। वेरियस कोस्ट गार्ड स्टेशन, शिप और VTS के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जब पहली कोस्ट गार्ड बोट पहुंची, तब लोगों ने डूबते जहाज को छोड़ना शुरू कर दिया। 9:30 के बीच 172 लोगों को हेलीकॉप्टर, फिशरमैन और इन्फ्लेटेबल लाइफ बोट द्वारा बचाया गया। जहाज के कैप्टन को 9:45 पर ही जहाज से उतार दिया गया। कोरियन कानून के अकॉर्डिंग कैप्टन किसी भी इवैक्यूएशन के दौरान उसकी निगरानी और पैसेंजर्स के निकल जाने तक जहाज के साथ ही रहना पड़ता है। उन्होंने अपनी वर्दी नहीं पहने हुए थे और शिप में फंसे हुए सारे पैसेंजर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। जो बोट घटनास्थल पर थे उन्हें बताया नहीं गया था कि शिप के अंदर अभी भी 300 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। दुख की बात यह है कि इवैक्यूएशन का ऑर्डर अगर 9:15 के बीच में दिया गया होता, जब यह क्लियर था कि जहाज डूब जाएगा, तो ये पॉसिबल था कि सभी पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। 10 बजे तक इलाके में इनफ बोट, हेलीकॉप्टर और रेस्क्यूअर टीम मौजूद थे, लेकिन कैप्टन के ऊटपटांग डिसीजन ने ऐसा नहीं होने दिया। उस टाइम लगभग 304 लोग जहाज के अंदर फंसे हुए थे। कम्युनिकेशन ऑफिसर 9:52 तक पैसेंजर्स को अपने कमरे में रहने का निर्देश दे रहे थे और इस टाइम जहाज 80 डिग्री तक मुड़ गया था। इसके बाद पैसेंजर्स को और कोई मैसेज नहीं मिला। कैप्टन को पहले ही सेफली कोस्ट गार्ड जहाज में ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि स्टूडेंट्स खिड़कियों को तोड़ के और हॉलवे में क्रॉल करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इमेजिन कीजिए, आप उन 16 साल के बच्चों में से एक हो जो अनाउंसमेंट सुन रहा है और आपके टीचर आपको कमरे में रहने के लिए कह रहा है। आप फ्लोर पर खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि जहाज का झुकाव काफी ज्यादा है। साउथ कोरिया में बच्चों को स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कल्चर में पढ़ाया जाता है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स कमरे से बाहर निकलने का परमिशन का इंतजार कर रहे थे जबकि जहाज में पानी घुसना चालू हो गया था।캐리어 같은 거 밟고 있었단 말이에요. 항상 그런 데 가면 말 잘 들으면 된다. 그 저희는 그 말을 잘 들었을 뿐이고. 비디오에 온 스튜던츠 को देख सकते हो जो पहले ये सोचा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे-जैसे झुकाव बढ़ते गए, वीडियो और मैसेजेस और भी भयभीत करने वाले होते गए। आखिरकार अभी भी दो लोग अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते थे, वो गुडबाय मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे और फैमिली मेंबर्स को प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे थे। जिन फैमिली मेंबर्स ने अपने बच्चों से बातचीत की थी उनका हालत कैसा हो रहा होगा आप जरा इमेजिन कीजिए। न्यूज रिपोर्टिंग शुरू हो गया जहां गलत न्यूज बताया जा रहा था। कोस्ट गार्ड ने बताया कि सभी को बचा लिया गया है। एक बार जब जिंदा बचे लोग बोट से बाहर आने लगे तो ये क्लियर हो गया कि अभी भी 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स लापता है। इस टाइम पे घटनास्थल पर कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस बड़े मात्रा में बढ़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन लोगों को बचाने के लिए आए हैं जो शायद अभी भी एयर पॉकेट के अंदर जिंदा होंगे। पेरेंट्स को ये झूठी होप थी कि और भी बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। हकीकत में कोस्ट गार्ड जहाज पर चढ़ने के लिए एक बार भी कोशिश नहीं किया। शिप क्रू के कई मेंबर्स ने उन पैसेंजर्स की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो शिप से बाहर निकले थे। जहाज के डूब जाने के बाद अगले कुछ हफ्तों में खोए हुए पैसेंजर्स के बॉडी ढूंढने के लिए कई डाइवर्स जहाज के अंदर गए। इस घटना के लिए कई क्रू मेंबर्स, कंपनी ऑफिशियल्स और सरकारी ऑफिशियल्स को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि इस एक्सीडेंट का कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ी फेलियर है पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने के लिए टॉप फ्लोर पर जाने का सलाह ना देना। इस एक डिसीजन से 100 से भी ज्यादा पैसेंजर्स जो इस एक्सीडेंट पर मारे गए उनका जान बच सकता था।